है नहीं एक नया और सुहाना दिन मिनी वर्ल्ड में मैं घूम रहा था बहुत ही ज़्यादा मज़े में, पर अचानक से क्या हुआ, मुझे लग गई पेशाब, ओ सॉरी भाई, मतलब मुझे टॉयलेट लग गई और भाई टॉयलेट करने मैं झाड़ में घुसा और मेरे साथ हो गया हादसा। अरे भाई ये आदमी कौन है भाई, मुझे तो कहीं ये दिखा नहीं। ये सब होने के बाद जादू मेरा पड़ोसी वापस से आया और मुझे जिंदा कर गया। भाई वो बात ऐसी है, आजकल जरा मेरी नली खराब चल रही है इसलिए मैं दोबारा लघुशंकर से जा। अबे भाई साहब, मतलब ये आदमी है कौन? अबे भाई इस आदमी ने जिंदगी नरक बना दी है, मतलब एक आदमी करने जा रहा है तो भाई उसे मतलब करने नहीं देंगे, खुद को नहीं आ रही है तो हमें फोड़ दो, खेलो आ जाओ लो, खेल लो। चलो भाई अब तुम्हारा भाई चलेगा बिल्कुल सावधानी से, अगर ये आदमी मुझे मिल गया, वैसे तो उसका नाम ही आदमी है, अगर ये आदमी मुझे मिल गया तो भाई इसे वहीं पे डंडे करने मुझे। भाई मतलब किसी चीज़ की हद होती है। अब मैं यहाँ पे यार चारों तरफ चेक करता हुआ चलूँगा कि भाई कोई बंदा है तो नहीं है आदमी नाम का, और यहाँ पे मैं उठा लेता हूँ भाई ज्वालामुखी, तो भाई ज्वालामुखी से चेक करते हुए चलेंगे चारों तरफ के भाई कोई है तो नहीं, भाई घास वगैरह में कोई छुप के रह सकता है क्योंकि भाई यहाँ पे पूरा है जंगल और वो करेगा जंगल में मंगल। मतलब इस आदमी को दिक्कत क्या है मेरे से, पता नहीं भाई कहाँ झाड़ में माइन लगा के भाग गया, मतलब यार टाइम बॉम्ब ही फिक्स करके चला गया भाई, मतलब इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। अरे भाई आराम से, इतनी सावधानी से कहाँ चल रहे हो, आराम से। अबे भाई यार तुम्हें मैं क्या बताऊँ भाई, जिंदगी फटने को तैयार हो रही है भाई, जरा मेरे को जरा कुछ बीमारी है जिससे कि मुझे मतलब टॉयलेट यार बार बार जाना पड़ता है, तो भाई मैं झाड़ियों में टॉयलेट करने के लिए घुसता हूँ और भाई वहाँ पे लगी होती है किसी की माइन, तो भाई मैं वहाँ पे जाते ही एक्सप्लोड हो जाता है भाई। कुल मिला के बात यह है कि भाई जिंदगी फटने को तैयार है। ओ भाई अच्छा, ये तो बहुत गंभीर समस्या है। अच्छा भाई तुम्हें तो यार कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है ना? अरे नहीं 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 मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो यार ये सारी बात तो साइड में रखते हैं, पर भाई मुझे तुम पे शक हो रहा है क्योंकि भाई तुम इस जंगल में मुझे पहले आदमी दिखे हो, कहीं भाई तुम तो नहीं हो यार वो आदमी टाइप जिसने मुझे इतनी बार माइन से मारा है? नहीं। चल भाई ठीक है यार मैं चलता हूँ भाई, बाय बाय। चलो भाई ओके बाय, अब अपना ध्यान रखना और घर से बाहर कम निकलना। वैसे तो यार ये स्टोरी टाइम वगैरह भाई साइड में रखते हैं, पर भाई आप सभी यार घर में रहना क्योंकि भाई घर में रहना इस समय ज़्यादा सेफ है। भाई लोगों यार मेरी सावधानी का कोई भी फ़ायदा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है भाई, मुझे अब लगता है यार मैं पूरा का पूरा सेफ हूँ। और भाई यहाँ पे ओ शिट यार मेरे को मिसाइल चलने की आवाज़ हुई, और यार माइन तक तो सही था, भाई ये आदमी अब बजूका भी चलाने लग गया भाई, माथे पे इन्हें RPG दी भाई। अब बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया, मेरे सर से पारा ऊपर हो चुका और अब मुझे देखना यार वो बंदा कौन है। ओ भाई साहब, अरे भाई ओ रुक जा, अबे भाई ये माइन लगा के भाग गया बंदा। ओ भाई साहब ये कौन है भाई, इसकी पैंट मुझे उस बंदे जैसी लगी, आदमी जैसी। भाई रुक जा भाई, कहाँ जा रहा है तू? भाई उसकी पैंट यार मुझे उसी आदमी जैसी लगी भाई, वो जो जो मुझे मिला था ना अभी जिससे मैंने बात करी भाई उसकी जैसे, भाई उसका एरो भी आ रहा है यार, पता नहीं भाई कौन है बंदा, इसकी माइंड डिफ्यूज कर देता हूँ। और भाई कैसे हो, बहुत दिन बाद दिखे। अरे भाई अभी तो मिले थे। अरे हाँ सॉरी। चलो भाई और बताओ क्या चल रहा है ज़िंदगी में यार? बस बढ़िया, आप बताओ, आप माइन से आतंक के शिकार और तो नहीं हुए? अरे भाई यार मैं क्या बताऊँ, वो बंदा मुझे यार दिख गया था भाई, मतलब उसकी पैंट यार मतलब इतनी बढ़िया लगी मुझे, मतलब और भाई तुम्हारी पैंट भी यार मुझे उसके सेम जैसी लग रही है, और भाई कहाँ से लिए ये कपड़े, बढ़िया काफ़ी अच्छे लग रहे हैं भाई। ये पैंट पूरे मिनी वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, तुम जानते नहीं? अच्छा भाई पूरे मिनी वर्ल्ड में केवल एक ही पैंट है? अच्छा भाई, अच्छा तो भाई चलते हैं फिर मिलेंगे। हाँ भाई बाय बाय बाय। भाई देखो यार मुझे तो इसी बंदे पे शक लग रहा है क्योंकि भाई ये बंदा बोल रहा है कि ये मिनी वर्ल्ड में भाई पूरी एक ही टाइप की पैंट है, और भाई हमने जो पैंट देखी थी भाई उस बंदे के बिल्कुल सेम पैंट थी, तो भाई यार आप मतलब गैस करो यार क्या वो बंदा यही है या फिर कोई और बंदा होगा या कहानी में कोई ट्विस्ट आएगा? अगर भाई वो बंदा वही हुआ तो उसकी हालत कुछ ऐसी होगी।